जल्द भारत आने वाला है 6G नेटवर्क। दुश्मनों की सुनकर हालत हुई खराब। भारत जल्द लॉन्च करेगा नया प्रोजेक्ट। दोस्तों, अगर आप लोग भी 5G स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आप लोग भी शायद उसकी 5G स्पीड के कायल हो गए होंगे। लेकिन अगर आज हम आपको ये कहें कि बहुत ही जल्द शायद अब हम 6G टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, तो आपको शायद ये बात किसी मजाक से कम ना लगे। आप कहेंगे कि अभी पूरे देश में 5G तो सही तरीके से आया नहीं है और बात कर रहे हैं 6G स्पीड इंटरनेट की। सही सुना आपने, 100% ये बात सही है कि जल्द ही सभी इस लाइटनिंग टेक्नोलॉजी का मजा उठा सकेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में पिछले साल 5G नेटवर्क के लॉन्च होने के बाद 6G की ओर कदम बढ़ाए जाने की पहल की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 6G टेस्ट बेड और कॉल बिफोर यू डिग ऐप को भी लॉन्च किया है। लेकिन आपको ये बता दें कि 6G टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे ये 5G से अलग होने वाली है। दोस्तों, आपने शायद अभी तक ये नहीं सुना होगा कि 6G क्या है। सुनेंगे भी कैसे, क्योंकि अभी तक तो 5G भी सही तरीके से नहीं आया है। बहुत से देशों में इसका इस्तेमाल भी होने लगा है, लेकिन 5G से भी कहीं 6G को लेकर बोलबाला है। कुछ रिसर्च ग्रुप तो इसके ऊपर अपना रिसर्च करना शुरू भी कर चुके हैं और उनका मानना है कि अगले कुछ सालों के भीतर ही 6G भारत में होगा। आपको बता दें कि 6G एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि फाइबर से बहुत हद तक डेवलप होने वाली है। मतलब जो भी काम 5G करने में सक्षम है वो काम 6G बड़ी आसानी से कर देंगे। वैसे 6G के बारे में ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, 6G में जी का मतलब होता है जेनरेशन। ये दरअसल सेल्युलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी की 6th जेनरेशन है, इसलिए इसे 6G कहा जा रहा है। अब जब जेनरेशन अपडेट होती है तो उसमें तकनीकी सुधार हो जाता है। जैसे जैसे सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क तकनीक आगे बढ़ती है, डेटा स्पीड में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी समेत दूसरे फीचर्स अपडेट हो जाते हैं। ये अनयूज्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी में संचालित होता है और 5G टेक्नोलॉजी के मुकाबले में कई गुना तेज स्पीड और लो लेटेंसी कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए AI जैसी कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है। 6G नेटवर्क अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज में है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU की माने तो उन्होंने इसके लिए डिकेड स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, जिसका मतलब है यह डिकेड के एक के बाद एक डेटा और नेटवर्क सर्विस को एक जेनरेशन का अपडेट दिया जाता है। इस जेनरेशन अपग्रेड के कई बड़े कारण बताए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि पुरानी टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस को मार्केट में नई टेक्नोलॉजी के लिए अपग्रेड दिया जाए और इस तरह इनके द्वारा जेनरेट होने वाली अनलिमिटेड नॉइज और स्पेक्ट्रम पॉल्यूशन को भी खत्म किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत 6G की दिशा में अभी से ही काम करता दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से 5G सर्विस रोल आउट करने वाला देश भारत बन गया है। आपको याद होगा दोस्तों कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में PM नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G की सर्विस लॉन्च की थी। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को मार्च 2023 तक देश के कम से कम 200 शहरों तक 5G सेवा पहुंचाने का टारगेट दिया था। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने अब तक 500 से ज्यादा शहरों में 5th जेनरेशन सर्विस को लॉन्च कर दिया है। यही नहीं, भारत में अब 6G यानी 6th जेनरेशन टेक्नोलॉजी की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। पिछले सप्ताह PM नरेंद्र मोदी ने 6G का विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। साथ ही इस अपकमिंग टेलीकॉम सर्विस के लिए टेस्ट बेड और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन के लिए इनोवेशन सेंटर और एरिया ऑफिस का भी उद्घाटन किया। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU के लिए रिसर्च और इनोवेशन सेंटर के उद्घाटन के दौरान मोदी ने कहा, भारत में 5G सेवा शुरू होने के महज 6 महीने के बाद ही हम 6G पर बात कर रहे हैं। ये भारत के आत्मविश्वास को दर्शाता है। भारत में सबसे तेजी से 5G रोल आउट हो रहा है। 6 महीने के अंदर ही अंदर देश के 350 से ज्यादा शहरों में 5G सेवा शुरू हो चुकी है।
6G सर्विस का विजन डॉक्यूमेंट पेश करने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये टेस्ट भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को और ताकत देगा। ये नेक्स्ट जेनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी मौजूदा डिजिटल टेक्नोलॉजी को मजबूती भी प्रदान करेगी। पिछले 9 साल में सरकारी और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने देश में 25 लाख किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाया है। 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। जी हाँ, इसके अलावा 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC के जरिए लोगों को डिजिटल सर्विसेज मुहैया करवाई जा रही है। वहीं दोस्तों, अब बात करें 6G के भारत में फायदे की, तो ये टेक्नोलॉजी ग्लोबल स्केल पर एक इकोनॉमिक और टेक्निकल सुपर पावर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी। इससे स्टार्टअप के लिए मौजूदा चुनौतियों को हल करने, नौकरियां पैदा करने और देश की वर्तमान समस्याओं के लिए इनोवेटिव समाधान के नए अवसर मिलेंगे। 6G टेक्नोलॉजी 5G नेटवर्क की तुलना में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी का उपयोग करने में सक्षम होगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसकी क्षमता काफी अधिक होने वाली है और कनेक्ट होने में भी कम समय लगेगा। इससे पैरामेडिक्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और कृषि विशेषज्ञों को ऑन साइट अवेलेबल हुए बिना गांव में एक इकोसिस्टम बनाने और वहां तक आसानी से अपनी सर्विसेज को पहुंचाने में मदद मिलेगी। 6G के यूज से रेल, वायु और सड़क नेटवर्क को भी ज्यादा फायदा होगा और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और एफिशिएंट बना देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI को और भी बड़े पैमाने पर पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, ट्रांसपोर्टेशन और रिसर्च प्रॉब्लम ऑपरेशंस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। कोविड काल के दौरान दोस्तों, जब लोगों ने सोचा था कि लाइफ और इकोनॉमी लगभग रुक जाएगी, तब दुनिया ने इंटरनेट के एक क्लिक पर जरूरतमंदों को आवश्यक सहायता प्रोवाइड कराई थी। टेक्नोलॉजी की मदद से दूर रहते हुए भी डॉक्टरों ने रोगियों का इलाज किया था। इंटरनेट के माध्यम से जहां एक ओर बच्चों ने स्कूल एजुकेशन घर पर ही ली थी, तो वहीं दूसरी ओर ऑफिस जाने वालों के लिए भी घर से काम करना संभव हो पाया था। डिजिटल इंडिया ने देश के लोगों को एक प्लेटफॉर्म और मार्केट प्रदान किया है, जिसमें वे अपने प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर सकते हैं और नए बाजारों तक पहुंचा सकते हैं। 6G डेवलपमेंट हाई टेक्नोलॉजी के साथ भारत के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस को खोलता है और एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्री और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चेंज लाने का रास्ता प्रोवाइड कराता है। इस डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर दोस्तों, इसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप यानी कि TIG 6G ने तैयार किया है। जी हाँ, इस ग्रुप में कई मंत्रालयों और विभागों के रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल हैं। इसका पर्पस देश में 6G के लिए रोड मैप और एक्शन प्लान को तैयार करना है। 6G टेस्ट बैंड से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, MSME और दूसरे क्षेत्रों को ICT टेक्नोलॉजी को टेस्ट और वैलिडेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट और 6G टेस्ट बेड से देश में इनोवेशन कैपेसिटी बनाने और टेक्नोलॉजी को तेजी से लागू करने में आसानी होगी। सी बर्ड ऐप ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी चीजों को नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया एक टूल है। फाइबर केबल को अक्सर सड़कों की खुदाई के कारण नुकसान होता है। इससे प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए का घाटा उठाना पड़ता है। देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक रिलायंस जियो इस साल एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क कंपनी बनने की उम्मीद है। रिलायंस जियो तेजी से अपनी हाई स्पीड नेटवर्क को बढ़ा रही है। हाल ही में कंपनी के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमेन ने कहा है कि भारत को ओवरऑल ग्रोथ की जरूरत है और जियो इसमें योगदान देना जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि इस साल की दूसरी छमाही में जियो दुनिया में सबसे बड़ी स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क ऑपरेटर बन जाएगी। जियो का फोकस 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क को लॉन्च करने पर है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में रिलायंस 6G टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के देशों में सबसे पहले उभर कर आएगी।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि 6G की इंटरनेट स्पीड 5G से 100 गुना ज्यादा हो सकती है, यानी करीब 100 गीगाबाइट प्रति सेकेंड। जी हाँ, सही सुना आपने, इसे ऐसे समझें कि 6G आ जाने से नेटफ्लिक्स से 142 घंटे का कंटेंट सिर्फ एक सेकेंड में डाउनलोड किया जा सकेगा। जहाँ 5G अपने पीक पर हर सेकेंड 10 गीगाबाइट तक की स्पीड दे सकता है, वहीं 6G से उम्मीद की जा रही है कि वो हर सेकेंड अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ एक टेराबाइट तक की स्पीड दे पाएगा। अल्ट्रा लो टेलेंसी का मतलब है कि कम से कम समय में ज्यादा डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता। इसका सीधा असर हमारे इंटरनेट इस्तेमाल करने पर पड़ेगा, ऑनलाइन मीटिंग से लेकर गेमिंग तक, सब 6G के आने से और सटीक हो जाएंगे। यानी अब रियल टाइम में सब कुछ देख और सुन पाना पॉसिबल हो पाएगा। 6G आने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेहतर हो पाएगी। फिलहाल जिन कामों के लिए इंसानी देखरेख जरूरी है, वो काम AI और मशीन लर्निंग के जरिए हो सकेंगे। जैसे किसी फैक्ट्री का संचालन करना, कनेक्टेड मशीनें और रोबोट्स के जरिए एनर्जी और पानी की भी बचत होगी। 6G के साथ अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन सर्विस और बेहतर होगी, यानी मिली सेकेंड से भी कम समय में कोई भी जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी, जिससे फिलहाल किसी लाइव में आप बोलने के कुछ सेकेंड बाद ऑडियंस तक आपकी आवाज पहुंचती है। 6G नेटवर्क में ये देरी मिली सेकेंड से भी कम हो जाएगी। इससे ऑडियंस आपको रियल टाइम में देख और सुन सकेंगे। किसी से वीडियो कॉल पर बात करने के दौरान आपको महसूस होगा कि आप उससे आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। 6G आने से स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैमरा जैसे उपकरण और बेहतर हो जाएंगे। इससे ट्रैफिक जाम जैसी स्थितियों से बचा जा सकेगा और ऑटोमेटिक तरीके से मेट्रो और दूसरी गाड़ियों को बिना ड्राइवर आसानी से ऑपरेट करना संभव हो पाएगा। स्मार्ट एग्रीकल्चर के जरिए पानी बचाने के लिए पशुओं पर निगरानी रखने और सही मात्रा में पेस्टिसाइड डालने जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। इन सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं, दोस्तों, जिस तरह देश ICT के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, 6G टेक्नोलॉजी हमारी जमीन से ही सबसे पहले जन्म ले सकती है। धन्यवाद।